कांग्रेस की अब एमसीडी में भी जीत पक्की। देखते रह गए केजरीवाल और मोदी। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में एमसीडी चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस की दिल्ली इकाई की तरफ से जारी घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं। इनमें गरीबों के लिए आरओ वाटर प्योरीफायर लगाने, निकाय के स्कूलों में डे बोर्डिंग की व्यवस्था करने और बकाया गृह कर को माफ करने का वादा किया गया है। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रेत ने कहा कि एमसीडी द्वारा आपूर्ति किया जा रहा पानी नियमित इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त और दूषित है। उन्होंने कहा, एमसीडी द्वारा आपूर्ति किया जा रहा पानी दैनिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। पीने की तो बात छोड़ ही दीजिए, यह बहुत ही दूषित है। दिल्ली कांग्रेस साफ पानी वाली दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली का वादा करती है। कांग्रेस ने प्रदूषण और कचरा मुक्त दिल्ली का भी वादा किया है और कहा कि लैंडफिल को साफ किया जाएगा और सभी के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। घोषणा पत्र में पार्टी द्वारा किए गए अन्य वादों पर बोलते हुए श्रीनेत ने कहा, एमसीडी के स्कूलों में डे बोर्डिंग की शुरुआत की जाएगी। इससे न केवल गरीब सशक्त होंगे बल्कि बाल मजदूरी भी खत्म होगी। उल्लेखनीय है कि डे बोर्डिंग स्कूलों में बच्चे सुबह जाते हैं और शाम को लौटते हैं। पूरे दिन खाने पीने, रहने और पढ़ाई की व्यवस्था स्कूलों में ही होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली वालों को ग्रह कर के नाम पर लूटा जा रहा है। श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस ने स्थानीय सत्ता में आने पर पूर्व के सभी बकायों को माफ करेगी। पार्टी नेता ने कहा कि कांग्रेस मौजूदा करों की दर को आधा करेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में टूटे सीवेज लाइन की मरम्मत करने, नालों की सफाई करने का भी वादा किया है, ताकि शहर में जल जमाव नहीं हो और डेंगू जैसी बीमारियां ना फैले। कांग्रेस ने नगर निकाय में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA को संलग्न करने और युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के कुल 250 वार्डों में 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।